उत्तराखंड में इन दिनों केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सीट को जीतना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी हैं। जानते हैं उनसे कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अभी आपने बद्रीनाथ जीता, उससे पहले आपके संगठन जो मिलजुल के चुनाव लड़ा यूपी में, आपने अयोध्या जीता, उसके बाद केदारनाथ है, इसको जीत पाएंगे आप लोग, कोशिश है? देखिए, जिस तरह पांचों सीट हारने के बाद और बद्रीनाथ की सीट और मंगलौर सीट ने कांग्रेस को, उत्तराखंड कांग्रेस को, पूरे देश के कांग्रेस को एक संजीवनी दी थी, उत्साह बना, एक चर्चा हुई कि भाई सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होता है और तीन चार महीने बाद उसी अयोध्या की धरती, उसी राम की धरती पर भाजपा चुनाव हार जाती है, सांसद का चुनाव हार जाती है। और उसी तरह भगवान विष्णु की धरती, जो देश का पूरा सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु भगवान जी का मंदिर बद्रीनाथ, उसकी धरती से भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ का चुनाव हार जाती है। इसलिए आज जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव, केदारनाथ का चुनाव, दो कारणों से, एक तो उन्हीं की पार्टी के विधायक की मृत्यु के बाद यह चुनाव सीट खाली हुई है और दूसरा केदार धाम का जो महत्व है उसके कारण उनके लिए तो महत्व है ही है, और हमारे लिए कांग्रेस के लिए जो बद्रीनाथ से मनोबल बढ़ा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और हरियाणा में थोड़ा सा हरियाणा के कारण कमजोर हुआ है, अगर केदारनाथ हम जीतते हैं तो फिर एक बार पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा कि सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बाबा केदार की धरती से भी चुनाव वहाँ की जनता ने भी नकार दिया, बद्रीनाथ की जनता ने नकार दिया, अयोध्या की जनता ने भी नकार दिया। इसलिए हमारे लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए तो है ही है। तो ये मैं तो सोचता हूँ कि धामी की कुर्सी भी इस चुनाव पर निर्भर है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर ये चुनाव भाजपा हारती है तो धामी की कुर्सी गई। पांच पांच मंत्री उन्होंने लगा रखे हैं, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, मशीनरी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में कैसे जीत पाओगे आप चुनाव? अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ज्यादा बिल्लियों में जो है चूहे नहीं मारा करते हैं, अब ये ज्यादा ही, ये बिल्लियां वैसी हैं जो बिना, जिनके दांत भी नहीं है, जिन बिल्लियों पे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अगर करें, देखो मंत्रियों के तो बस का कुछ है नहीं, मैं देखो मैंने पहले भी कहा कि इनके बस का कुछ नहीं, इनके कहने से कौन वोट देगा मुझे आप बता दो जरा, एक आदमी बता दो इनके कहने से क्या कर लेगा। लेकिन अगर धन बल सरकारी मशीनरी में छेड़छाड़ करेंगे हरियाणा की तरह, और बहुत सारे उदाहरण देश के अंदर, तो फिर मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये स्वच्छ चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और जनता के हिसाब से चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नहीं जीत पाएगी। अच्छा हरक सिंह जी, इस पूरे क्षेत्र में मैंने जैसे लोगों से बात की, लोगों में एक चीज़ को लेकर के डर है कि यात्रा कुमाऊँ चली जाएगी, जबकि मेरी बात भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से हुई, उनका कहना था कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है लोगों में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यात्रा यहाँ से चलती थी और यहीं से चलेगी। अब मैं इस पर अगर कोई बात करूँगा तो ये क्षेत्रवाद की बात हो जाएगी, लेकिन आज ये अफवाह फैली है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अफवाह ही है। क्यों फैली भाई, क्यों फैली? एक कहावत है कि हर जगह जब जहां बादल होते हैं, ये जरूर नहीं कि वहां वर्षा हो ही हो, लेकिन बादल होते तो बरसात होती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर जो है जहाँ ये जरूर नहीं कि धुआं जहाँ लगा हो, जहाँ आग लगी वहाँ धुआं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो हुई है ना। यात्रा जो चरमराई है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, और लोग पागल थोड़ी हैं, लोगों ने मालूम कि रिस्क केस के जो ट्रैवल एजेंट हैं उनको अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया, ऑर्डर नहीं था कहीं, लेकिन वर्बली कि भाई रजिस्ट्रेशन यहाँ तो नहीं हो रहा। अब आदमी जो बम्बई से आ गया, जो कलकत्ता से आदमी हरिद्वार आ गया, और जब उसको तीन तीन दिन वहाँ रुक रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, फिर उसको ट्रैवल एजेंटों के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा एक कहा जा रहा है कि भाई तुम यहाँ तो नहीं हो पाए कि तुम्हारी यात्रा, लेकिन यहाँ चले जाओ तुम, अचानक कोई बात कुछ तो हुआ है ना। ये हरक सिंह रावत थोड़ी कह रहा है, ये कांग्रेस ही थोड़ी कह रहा है, ये तो कहीं ना कहीं जनता कह रही है, और जनता के ये व्यापारी कह रहे हैं, उनको नहीं मालूम क्या। एक चीज सुनो, जो जिसका गुप्त का सेव के मठ में होटल है, बद्रीनाथ सोनपत या तिलवाड़ा में या
सीतापुर में, रामपुर में होटल है, गौरीकुंड में जिसका होटल है, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जिसका होटल है, उनका ट्रेवल एजेंटों से उनका संपर्क नहीं होता क्या? तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भाई हम पे, हमको डायरेक्शन है कि डाइवर्ट की जा रही यात्रा। आप मेरी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो गई है, आज तक तो नहीं सुना मैंने। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह जैसी सरकार है जो उत्तराखंड राज्य के उस पर जिसने गोलियां चलाई, उस सरकार के बारे में भी नहीं कहा गया कि 1994 उस सरकार के बारे में भी नहीं कहा गया कि इसने डाइवर्ट की यात्रा। आज तक तो कभी नहीं हुआ कि बद्रीनाथ केदार की यात्रा को कोई मथुरा डाइवर्ट कर दिया गया या अयोध्या डाइवर्ट कर दिया, बनारस डाइवर्ट है, इलाहाबाद डाइवर्ट कर दिया गया, प्रयागराज डाइवर्ट कर दिया गया। आज ही क्यों ये चर्चा हो रही है भाई? तो इसलिए कि इस ये केवल अफवाह नहीं है, इस अफवाह में कुछ ना कुछ सच्चाई है, और इसलिए ये लोग आज लोग इस बात को कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत थे, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बात को लेकर है कि यहाँ से यात्रा डाइवर्ट करने की बात सामने आई, लेकिन तमाम भाजपा के नेताओं ने इसको सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि इस प्रकार का भ्रम केवल इसलिए फैलाया जा रहा है कि चुनाव के समय कांग्रेस अपने लिए वोट के रूप में इस नाराजगी को तब्दील कर सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।